वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो सिस्टम जिसके थ्रू हम सांस ले पा रहे हैं, हमारे अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, वो सारी चीजें आज हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम? ये एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम ब्रीद कर पा रहे हैं, मतलब हम सांस ले पा रहे हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ऑर्गन्स और टिश्यूज, ये दोनों चीज मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाती है, जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। फिर इट इंक्लूड्स योर एयरवेज। एयरवेज मतलब जहां जहां से होकर जो हमारी गैसेस हैं वो निकलेगी, वो होता है एयरवेज। उसमें नेजल कैविटी होता है हमारी नोज, फिर ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सारी चीजें आती हैं हमारे एयरवेज में। उसके बाद लंग्स, फिर लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन अंदर जाएगा, वो होता है लंग्स में। फिर ये गैसेस हमारे ऑर्गन्स तक लेकर पहुंच जाएगा, ब्लड वेसल्स थ्रू ब्लड। ठीक है, इतना क्लियर है। इट इंक्लूड्स योर एयरवेज, जिसमें जहां से गैसेस होकर निकलेगी वो होता है एयरवेज। लंग्स होंगे जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और हमारे ब्लड वेसल्स जो गैसेस को ऑर्गन्स तक लेकर जाएंगे थ्रू ब्लड। ठीक है, फिर है द मसल्स दैट पावर योर लंग्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स की जो मसल्स होती है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है, दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू मूव ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी एंड रिमूव वेस्ट, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, अब ये देखो डायग्राम क्या है, ये यहां से शुरू होता है, यहाँ नेजल कैविटी, नोज प्रेजेंट होती है जहां पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो बिल्कुल ये हो जाएगा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, ये एक ढक्कन की तरह काम करता है, ये प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री विंड पाइप में और वाइन की एंट्री फूड पाइप में, मतलब इट सेपरेट्स फूड पाइप एंड विंड पाइप, जिससे जो खाना है वो हमारे विंड पाइप में ना चला जाए और जो हवा है, जो गैसेस है, वो हमारे फूड पाइप में, मतलब ईसोफेगस में ना चला जाए। तो इसीलिए एक चीज प्रेजेंट होती है, एक फ्लैप जैसा, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा लैरिंक्स। लैरिंक्स ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है, लेकिन इसका नाम है साउंड बॉक्स। इसमें कुछ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, तो ये है साउंड बॉक्स। नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया इज द मेन पाथ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां से लंग्स में जो गैसेस है वो पहुंच रही है, वो है ट्रेकिया। इसके बाद ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, एक लेफ्ट एक राइट, जिसको ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस, ब्रोंकस इसका सिंगुलर नाम है। अगर हम दो ब्रोंकस डिवाइड होंगे तो उनको ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, ये ब्रोंकाई हो गया। अब ब्रोंकाई भी बढ़ते बढ़ते आगे दो चीज बना लेते हैं, उसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। यहाँ अंदर ये देखो, ये जो जड़े जैसे, रूट्स जैसा दिख रहा है, ये है ब्रोंकियोल्स। ये प्राइमरी और सेकेंडरी होता है ब्रोंकियोल्स। अगर वो डायरेक्टली निकल रहे हैं किससे, ब्रोंकाई से, तो वो प्राइमरी ब्रोंकियोल्स है, लेकिन अगर वो निकल रहे हैं प्राइमरी से तो वो सेकेंडरी हो जाएंगे। फिर है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ कुछ चीजें प्रेजेंट होगी जो एक्सचेंज में हेल्प करेगी गैसेस के। ठीक है, ये टर्मिनल एंड्स पे होंगे एल्वियोलाई। फिर उसके बाद प्लूरल मेम्ब्रेन, जो हमारे लंग्स है वो बाहर का, जो हमारा लंग्स का छिलका बोल सकते हैं उसको, वो होता है प्यूरल मेम्ब्रेन। प्यूरा का बना होता है प्यूरल मेम्ब्रेन, जिसमें प्यूरल फ्लूड भी प्रेजेंट होता है, जो रबिंग और क्रशिंग से बचाता है हमारे लंग्स को। ठीक
ठीक है, एल्वियोलाई हो गया, प्यूरल फ्लूड प्रेजेंट होगा, ब्रोंकियोल्स हो गया, ब्रोंकियोल्स हमने देख लिया, ये प्राइमरी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। कट एंड ऑफ रिब्स, ये प्लूरल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, कट एंड्स ऑफ रिब्स, ये लंग है और ये डायफ्राम। अब जो ये देखो राइट जो लंग दिख रहा है वो लेफ्ट वाले से नीचे प्रेजेंट है, मतलब थोड़ा बिगर होता है, लंबा होता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो दिख रहा है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है, ज्यादा पार्ट जो उसका है हार्ट का वो लेफ्ट वाली साइड है, तो इसी वजह से जो हमारे ये वाला राइट वाला है वो थोड़ा बड़ा होता है लेफ्ट वाले से। ठीक है, ये हो गया डायग्राम, क्या क्या चीजें देख लिया। ठीक है, अब हमारे नोज में कुछ हेयर्स जैसा प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या है, हमारे नाक के बाल का काम क्या है, ये ट्रैप करते हैं बाहर से, अगर हम सांस ले रहे हैं तो हो सकता है कि गैसेस के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाएं, कुछ पैथोजेंस चले जाएं, तो ये ट्रैप कर लेते हैं इनको और ये हमारी गैस को प्योरीफाई, एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक, कहाँ से शुरू होती है एक्सचेंज, कहाँ तक जाता है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक, सबसे पहला क्या आएगा, खुद ही सोचो यार। सबसे पहले हमारे नोस्ट्रिल्स, हमारी नाक, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स फॉर द इनटेक ऑफ एयर, गैसेस को, हवा को अंदर लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद है नेजल चैम्बर्स, नेजल चैम्बर्स मतलब ये दो है, ये नेजल चैम्बर्स है। ठीक है, विच इज लाइन विद हेयर, बाल प्रेजेंट होते हैं, मैंने बाल का काम बता दिया, क्या है, ट्रैप करना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डस्ट पार्टिकल्स को एंड म्यूकस टू फिल्टर द एयर फ्रॉम डस्ट एंड हेयर। ठीक है, ये हो गया। फिर है फेरिंक्स, ने हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, फिर नेजल चैम्बर्स, फिर उसके बाद होगा फेरिंक्स, ये पाथ है, पाथवेज, इसको पाथवेज ऑफ रेस्पिरेशन, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। इट इज द पैसेज बिहाइंड द नेजल चैम्बर, जो नेजल चैम्बर है उनके पीछे प्रेजेंट होता है फैरिंक्स, एंड सर्व्स एज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड। फैरिंक्स एक ऐसा पाथवे है जो जहां से खाना भी जाता है और हवा भी जा रही है। ठीक है, कॉमन पैसेज है ये फैरिंक्स फॉर फूड एज वेल एज एयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लैरिंक्स, जैसा मैंने बताया था साउंड बॉक्स, क्योंकि इसमें कुछ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे, नोन एज द साउंड बॉक्स एज इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड्स व्हिच आर पैरामाउंट इन द जनरेशन ऑफ साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है एपिग्लोटिस, क्या है ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ढक्कन। ठीक है, इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द ग्लोटिस एंड प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इन टू द विंड पाइप। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई सबसे पहले। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेकिया, मेन ट्रैक भी बोल सकते हैं इसको, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, ट्यूब लाइक, मैंने दिखाया था कैसा था, ट्यूब लाइक था। ठीक है, ट्यूब लाइक पासिंग थ्रू द मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी, वर्टिब्रल कॉलम के कितने पार्ट थे, उसका थोरेसिक पार्ट जो है वहां से होते हुए ट्रेकिया निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रोंकाई, ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में। ठीक है, द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट। फिर नेक्स्ट है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई से निकलते हैं ब्रोंकियोल्स, जो जड़े जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, रूट्स में जो जड़े होती हैं वो उसके जैसा कुछ कुछ स्ट्रक्चर दिखाया था मैंने, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ईच ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइड इनटू फाइनल चैनल जिसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है एल्वियोलाई, बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, नोन एज द एल्वियोलाई। फिर है नेक्स्ट लंग्स, हमारे पास वन पेयर ऑफ लंग है, जिसका बाहर का छिलका प्लूरा होता है, उसके अंदर वे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यही होगा,
जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो लंग्स में ही प्रेजेंट होता है। लंग्स में क्या क्या चीजें होंगी, एल्वियोलाई होगा, ब्रोंकियोल्स होगा और ब्रोंका, ये तीनों चीज प्रेजेंट होती है हमारे लंग के अंदर। ठीक है, लंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्रोंका, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। इसके बाद हम कुछ फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है द एनर्जी इज जनरेटेड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, हमारे जो बॉडी है उसमें जो एनर्जी है उसका मेन सोर्स है ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में ही एनर्जी होती है, फिर ग्लूकोज आगे कन्वर्ट होता है वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज इनहेल्ड, हमने ऑक्सीजन इनहेल करी एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स में गई, अलग-अलग गई, पूरी बॉडी में जाएगी एंड आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फूड पार्टिकल्स। क्या है बर्निंग फूड पार्टिकल्स का मतलब, ब्रेक डाउन इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को तोड़ रहे हैं, उसका डाइजेशन हो रहा है इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, एट द सेल्युलर लेवल, ये सब सेल्युलर लेवल पे होता है, सेल्युलर लेवल पे होता है, याद रखना ये सारी चीजें अकर्स एट सेल्युलर लेवल इन अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सब डाइजेशन में है। ठीक है, ये काम है। फिर जो हमारी बॉडी है उसमें एनर्जी किस फॉर्म में हम यूज करते हैं वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती है जो हमें ग्लूकोज से ही मिलता है। द ऑब्टेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी ट्राइफॉस्फेट को यूज करती है, डाई वाले को नहीं करती, कंफ्यूज नहीं होना। एटीपी अलग है, एडीपी अलग है। ठीक है, ये हो गए फीचर्स। इसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला बाहर वाला क्या है, हमारी नाक, हमारी नोज कैसे बनती है। ह्यूमंस हैव एक्सटीरियर नोस्ट्रिल्स, ठीक है, विच आर डिवाइडेड बाय अ फ्रेमवर्क, जो हमारी नाक की ये ब्रिज जैसी है, ये इसको हम सेप्टम बोलते हैं। ये लेफ्ट नाक को और राइट नाक को डिवाइड करके रखता है सेप्टम। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स राइट नोस्ट्रिल फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल। फिर है टाइनी हेयर फॉलिकल्स, जो हमारे नाक के अंदर बाल हैं, जो हमारे नाक के बाल हैं, कवर्स द इंटीरियर लाइनिंग ऑफ नोस्ट्रिल, अंदर होते हैं, इंटीरियर लाइनिंग नोस्ट्रिल की कवर करके रखते हैं, एक्ट एज द बॉडीज फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि सबसे पहले एयर यहीं से होकर गुजरेगी, अगर यहाँ के बाल ने, जो यहाँ के हेयर्स हैं, उन्होंने सारी चीजों को ट्रैप कर लिया और जो हमारी गैस है वो प्योरीफाई होगी, फिर तो किसी उसका काम ही नहीं है, क्योंकि पैथोजन यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये बॉडीज फर्स्ट डिफेंस ऑर्गन है, ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है, अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन्स, दूसरे बाहर से आने वाले पैथोजन्स के अगेंस्ट। फिर है फर्दर मोर दे प्रोवाइड एडिशनल इम्यूनिटी फॉर इनहेल्ड एयर। एक तो काम हो गया डिफेंस का, वो अलग है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो हम हवा अंदर लेकर जा रहे हैं अपनी बॉडी के, उनको ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करेगा। अगर वो ड्राई है तो ऐसा नहीं है वो ड्राई रूप में ही अंदर जा रही है, उसको एक ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गए नोज, यही तक था नोज। फिर नेक्स्ट है, नोज के बाद आता है लैरिंग्स, जो हमारा साउंड बॉक्स भी है। ये बॉयज में क्या होता है कि ये जो साउंड बॉक्स है लैरिंग से, ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, जो बॉयज हैं उनमें तुमने देखा होगा कि ये जो साउंड बॉक्स है ये थोड़ा बाहर की साइड, तभी उनकी आवाज थोड़ी हल्की सी मोटी होती है। ठीक है, तो ये लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स है, इन फ्रंट ऑफ कहाँ प्रेजेंट होगा, नेक में।
ठीक है, टू कार्टिलेजिनस कॉर्ड्स, दो कार्टिलेज कार्टिलेज की कॉर्ड्स होती है, कार्टिलेज टिश्यू उसी की कॉर्ड्स होती है, ले द फ्रेमवर्क ऑफ द लैरिंक्स, ठीक है, इट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द नेक, इन फ्रंट ऑफ द नेक सामने ही मिलेगा, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकल्स एज वेल एज एडिंग रेस्पिरेशन। सबसे पहले ये साउंड बॉक्स है, ठीक है, वो इसका अलग काम है, फिर है ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, फिर है हेंस इट इज आल्सो इनकॉर्डली कॉल्ड द वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स है, साउंड बॉक्स है। व्हेन द फूड इज स्वेलोड अ फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लोटिस फोल्ड्स ओवर द टॉप ऑफ द मेनिन्जाइटिस। ये हमने देख ही लिया कि एपिग्लोटिस होता है प्रेजेंट, जो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री इन विंडपाइप, पिन की एंट्री इन फूड पाइप, ठीक है, ये हो गया हमारा लैरिंग्स। इसके बाद है नेक्स्ट फेरिंग्स, ठीक है, एक लैरिंग्स है एक फेरिंग्स, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, एल मतलब एस, एल एस याद रखना, लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स। तो फेरिंग्स क्या है, द नेजल चैम्बर्स ओपन, जहां नेजल चैम्बर खुल जाते हैं जाकर वो है फेरिंग्स, इट इज अ कॉमन पैसेज, बताया था मैंने फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और विंड दोनों के लिए, यहीं से फूड जाएगा यहीं से विंड जाएगा, इसके बाद वो डिवाइड हो जाता है, वो ट्रेकिया उसमें चला जाता है विंड पाइप और वो इसोफेगस, तो इसोफेगस और ट्रेकिया से पहले जो प्रेजेंट है वो है फेरिंग्स, ठीक है। हैव यू एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें ऐसे खांसी क्यों हो जाती है, ऐसे खाना अटक क्यों जाता है, वो इसीलिए सारा ये चक्कर एपिग्लोटिस का है, क्योंकि अगर जो खाना है वो विंड पाइप में चला जाएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि उस खाने को बाहर निकाल दें थ्रू कफिंग, ठीक है, टॉकिंग व्हाइल वी ईट और स्वेलो मे समटाइम्स रिजल्ट इन इंस्टेंट कफिंग, ठीक है, ये इसीलिए क्योंकि एपिग्लोटिस जो ढक्कन है वो खुला रह जाएगा, जब हम बात करते रहेंगे खाना भी खा रहे हैं बात भी कर रहे हैं तो एपिग्लोटिस क्या ही करेगा, उसको क्या ही समझ आएगा कि क्या करूं मैं क्या करूं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो खुला रह जाएगा और जो फूड है वो विंड पाइप में एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से कफिंग होती है और हम खाने को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं विंड पाइप से, ठीक है। इट इज फोर्स टू ओपन फॉर द एयर टू एक्सिट आउटवर्ड्स एंड द फूड टू एंटर इनटू द विंड पाइप ट्रिगरिंग अ कफ, यही है जो मैंने बताया, इन्होंने लिख दिया, ठीक है, सेम वही चीज है, अगर एपिग्लोटिस खुला रह जाएगा तो मिक्सचर हो जाएगा विंड और फूड दोनों का, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ये हो गया फेरिंग्स, फेरिंग्स हमने देख लिया कॉमन पैसेज, इसके बाद अब बारी आती है विंड पाइप की, जो है हमारा ट्रेकिया, क्या है ये, द ट्रेकिया ऑफ द विंड पाइप राइजेस बिलो द लैरिंक्स एंड डाउन द नेक, हमारे जो गर्दन है उससे नीचे और लैरिंग्स के भी नीचे, लैरिंग्स के बाद शुरू हो जाता है ये ट्रेकिया, फिर है द वॉल्स ऑफ द ट्रेकिया कंप्राइज सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो हमारा ट्रेकिया है कुछ इस तरह का होता है ट्रेकिया, इसमें जो ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर है ये सी शेप के होते हैं, सी शेप और कार्टिलेजिनस होते हैं, ठीक है, जो ट्रेकिया है उसमें सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगे, ये हो गया ट्रेकिया का स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट है ब्रोंकाई, क्या है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई एक प्लूरल फॉर्म है, अगर हम सिंगुलर देखें तो ब्रोंकस, ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है मिड थोरेसिक कैविटी पर आकर इन लेफ्ट और राइट ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई, क्या है ये, द ट्रेकिया स्प्लिट्स इनटू टू ट्यूब्स जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, द ब्रोंकाई डिवाइड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी क्या ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल्स टर्मिनल एंड पर एल्वियोलाई बना देगा, ये हो गया, द एल्वियोलाई आर सिंगल सेट सैक्स ऑफ एयर विद थिन वॉल्स, पतली वॉल्स होती है, पतले पतले होते हैं छोटे छोटे, और पतले पतले वॉल्स के जो एल्वियोलाई होते हैं वहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक
ठीक है। इसके बाद एक फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। जैसा मैंने बताया था कि लंग्स इज द मेन साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यहाँ से ब्रोंकाई से लंग्स शुरू हो जाएगा, तो इसका मेन काम क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। ठीक है, ये हो गया ब्रोंकाई। इसके बाद नेक्स्ट है लंग्स। क्या है लंग्स? हमारे अंदर पेयर में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लंग्स गुर्दे भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। सारे वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। जिन एनिमल्स के पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है उन सबको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जिनके पास प्रेजेंट नहीं होता उनको नॉन वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन मतलब मेन ऑर्गन है फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। फिर है दे आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के इधर भी प्रेजेंट होगा, इधर भी, दोनों साइड प्रेजेंट होता है। इन द थोरेसिक कैविटी ऑफ द चेस्ट, जैसे मैंने बताया था थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। फिर है देखें लंग्स को, ये स्पंजी टिश्यूज हैं। स्पंजी मतलब स्पंज जैसे, ऐसे फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, यही है स्पंजी टिश्यू। स्पंजी का मतलब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, विद एन एस्टिमेटेड टोटल सरफेस एरिया बिटवीन 50 to 75 square meters। जो लंग्स हैं उनका जो एरिया है, जितने एरिया में प्रेजेंट होते हैं वो है 50 से 75 square meters। इतनी जो हमारी बॉडी की जगह है वो लंग्स ने ले रखी है, अपना कब्जा कर रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड एयर। एयर और ब्लड के बीच में, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है हमारा लंग। ये हो गया इंटरेस्टिंगली द राइट। मैंने बताया था जो राइट लंग है वो थोड़ा बिगर होता है एंड हैवियर, थोड़ा भारी भी होगा, बड़ा भी होगा लेफ्ट वाली साइड से, क्योंकि वहां हार्ट प्रेजेंट होता है। हमारे लेफ्ट वाली साइड में हार्ट होगा, इसीलिए उसका साइज थोड़ा छोटा होता है फ्रॉम राइट लंग। ठीक है, ये हो गया लंग। अब एक बार पाथवेज देख लेते हैं, कैसे कैसे एयर अंदर आया। सबसे पहले